दिल में भी है 1932। झारखंड में एक बार फिर 1932 खतियान को लागू करने की मांग तेज हो गई है। झारखंडी आखिर है कौन, इसे परिभाषित करने की मांग झारखंड में लंबे समय से हो रही है। सबको उम्मीद थी कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विशेष सत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, लेकिन खतियान पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसे लेकर विधायक लोबिन हेमरम ने भी नाराजगी जताई और एक बार फिर से 1932 खतियान को लागू करने की मांग की। सभी राज्य में सबका अपना अपना स्थानीय नीति है, तो फिर आज तक यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बन पाया। पूरा भी आवाम का आवाज है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति होना चाहिए और खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए। तो ये अभी वैकेंसी वगैरह जो निकलेगा या निकलता है, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पैदा भी हुए, वोटर लिस्ट अभी नाम चढ़ा और यहाँ पढ़े भी, और ये थर्ड ग्रेड, जबकि वो यहाँ के नहीं है जी। आज ये थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड पे वो लोग भी आवेदन दे रहे हैं और ऐसे कई बहालियां हो चुकी हैं। तो ये आखिर स्थानीय इसी का मतलब है कि यहाँ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड या स्टेट लेवल का जो नौकरी है यहाँ के लोगों का। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपनी गाड़ी का नंबर 1932 रखे हैं, ये आप खुद देखिए इन तस्वीरों में। सभी मंच से अक्सर ही मंत्री जी 1932 खतियान को लागू करने की मांग झारखंड में करते रहे हैं, लेकिन अब तक झारखंड में इसे लागू नहीं किया जा सका है। हम तो न्याय उचित बात बोलते हैं, जब हम बिहार में थे 1932 के आधार पर हम राजस्थानी बनता था क्यों? अलग होने से क्या गुनाह किया हमने? 32 नहीं बनेगा तो गुनाह नहीं किए। हमारे लोग जो बाहर से आए, एक भाई भाई की तरह रहिए, कमाइए, खाइए, कोई आपत्ति नहीं, इन हक पर दावा कीजिएगा तो भाई वो बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा हक कमाने खाने में कहाँ रोक, यहाँ आके चोरी डकैती कीजिएगा तो रोक देंगे। डूमरी यहाँ से डकैती करके भाग रहा था ना, डूमरी से पार नहीं होने के, कल धनबाद में घोलटा दिया ना, सोना चांदी लूटने गया था। ये सब धंधा बाहर के लोग नहीं करे, कमाए खाए आराम से रहे और भाई बन करे, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल लोबिन हेमरम और जगन्नाथ महतो दोनों ही नेता जेएमएम पार्टी से हैं, लेकिन इन दोनों का अंदाज और तेवर एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाता। जहां लोबिन हेमरम अक्सर ही 1932 खतियान को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ महतो 1932 खतियान लागू करने की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ कभी बयान नहीं देते। बहरहाल झारखंड के नेता और इसके साथी यहां के आम लोग भी अब धीरे धीरे 1932 खतियान की मांग एक बार फिर से करने लगे हैं। लगातार 1932 को लागू करने के लिए आंदोलन भी होता रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में हेमंत सरकार जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले ले रही है, क्या आने वाले दिनों में 1932 खतियान को लेकर भी हेमंत सरकार कोई फैसला लेती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। लाइव लगातार के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।